इलाहाबाद से सटे फापामाऊ थाना क्षेत्र के मोहनगंज फुलवरिया गोहरी गांव में एक ही दलित परिवार के चार लोगों की धारदार हथियार से काट कर निर्मम हत्या कर दी गई। मारे गए लोगों में पति पत्नी और उनकी बेटी और पुत्र है। घटना के पीछे गांव के ही दबंग लोगों से रंजिश बताई जा रही है। मौके पर खोजी कुत्ता भी लगाया गया है। पुलिस से नाराज लोगों ने शवों को भी उठाने से रोका था। बड़ी मुश्किल से शवों का पोस्टमार्टम कराया गया। घटना के बाद फापामाऊ इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया है। आईजी और एसएसपी ने बताया कि दोषियों और लापरवाह पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है और 4 टीमें गठित की गई है। एसटीएफ और क्राइम ब्रांच को भी इस मामले की जाँच के लिए लगाया गया है। मृतक के भाई कृष्ण चंद का कहना है कि गांव के दबंग ठाकुर परिवार ने जीना हराम कर रखा था और उसी पर शक है। 2 मुकदमे लिखे गए थे लेकिन दबंगों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। इंस्पेक्टर राम केवल पटेल को निलंबित किया गया है। गुस्साए लोगों ने शव भी नहीं उठने दिए। बड़ी मुश्किल से शवों को उठाया गया। पुलिस का कहना है कि मोहनगंज फुलवारिया गोहरी गांव निवासी फूलचंद जो 50 साल के थे मजदूरी करते थे। बुधवार रात पत्नी मीनू देवी जो 45 साल की थी और उनकी 17 साल की बेटी सपना और 10 साल का बेटा शिव सो रहा था। देर रात घर में घुसकर हमलावरों ने चारों को कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। दरअसल प्रयागराज गंगापार का इलाका पिछले कई सालों से हत्याओं के लिए जाना जाने लगा है। सामने आने से एक बार इस इलाके में फिर से सनसनी है। हालांकि पिछले कई सालों में एक ही परिवार के कई लोगों की हत्याएं हो चुकी है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।